कैसा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा भाई, सुबह वाले जो अपडेट वीडियो वो किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाके देख लेना, मेरा भला हो जाएगा है भाई। तो भाई बढ़ते इस वीडियो की तरफ। तो कैसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक 2022 के मैच का प्रेडिक्शन के बारे में। बेसिकली जो मैं मैचेस को प्रिडिक्ट करने वाला हूँ, इस बार ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, डब्ल्यू ने दो मैच पहले अनाउंस कर दिए, लेकिन भाई क्या ही कर सकते, बाकी जितने बचे हुए मैचेस थे वो मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूँ और एकदम डिटेल में बताऊंगा कि भाई ऐसा ऐसा क्यों प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। तो कैसे सब जानने के लिए वीडियो का एंड तक देख लो बिना स्किप किए, अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगला मैच है नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, को लाइक कर देता को शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको WWE की न्यूज वगैरह देखने को मिलती रहती है। चलिए आज के मार्च के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के बारे में, जिसके लिए जो एक पार्टिसिपेंट है वो WWE ने पहले अनाउंस कर दिया है। तो उनके अलावा जो बाकी 7 पार्टिसिपेंट है वो जो है मैंने प्रेडिक्ट करने वाले, तो भाई मिड पोजीशन रहने वाले यहाँ पे अलिया वर्सेस लेसी वेंस वर्सेस शेना बेलर वर्सेस रेकेल गोंजाल्वेस वर्सेस एलेक्सा ब्लेस वर्सेस लिम मॉर्गन वर्सेस बैक लिंच वर्सेस आस्का। और भाई एक एक को मैंने इसमें क्यों रखा है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें भाई बैक लिंच आस्का के बारे में, तो इन दोनों की जो फ्यूड है वो खत्म नहीं हुई, तो भाई हो सकता है इन दोनों को अलग अलग रैंडम मैचेस लड़वा के इनको जो है ना मनी इन द बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। और बाकी एलेक्सा ब्लेस और लिम मॉर्गन की बात तो आप सबने देखा होगा, यहाँ पे जो कंटेंडरशिप का मैच हुआ था ना मनी इन द बैंक के लिए, तो उसमें भी ये दोनों थी, तो मुझे लगता है भाई ये दोनों जो मैच में जाती हुई नजर आएगी। बात करें तो भाई अलिया लेसी वेंस शेना बेलर और रेकेल गोंजाल्वेस के बारे में, तो भाई लेसी वेंस तो WWE ने अनाउंस कर दिया था, और अलिया शेना बेलर और रेकेल गोंजाल्वेस है ना ये जो इसमें जो कंटेंडरशिप मैच हुआ था वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए उसमें थी। तो भाई ये कुछ लॉजिक से जो मैंने ये 8 पार्टिसिपेंट को प्रिडिक्ट किया है, देखो रीजन बताना भी जरूरी होता है इसलिए मैं रीजन बता दिया। बढ़ते हमारे सेकंड मैच के, तो ये होने वाला भाई यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, और हाल ही में हमें देखने को मिला कि भाई हेल इन सेल में जो चैंपियनशिप डिफेंड हुई थी तो WWE इसकी वैल्यू तो कर दी थी, ऑब्वियस बात है भाई ऑस्टिन थ्योरी चैंपियन है तो वैल्यू तो यहाँ पे होगी बिकॉज वुमेन्स वुमेन इज डायरेक्टली रिलेटेड। तो यहाँ पे जो ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लेसली का मैच हमें देखने को मिल सकता है भाई US चैंपियनशिप के लिए, और हो सकता है भाई बॉबी लेसली यहाँ पे जीत भी जाए ताकि जो समझ में है ना ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सेना का मैच नॉन टाइटल हो सके। तो भाई यही कुछ मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि थ्योरी वर्सेस लेसली हमें देखने को मिल सकता है US चैंपियनशिप के लिए, और इसके जो टीज है वो हमें रॉ में भी देखने को मिला था। तो भाई ये कुछ रहने वाली मेरी प्रेडिक्शन इस मैच कार्ड के लिए। तो बात करें तो उस मैच के बारे में जो कि मैं प्रेडिक्ट तो करने वाला हूँ, लेकिन इसके होने का भाई सबसे ज्यादा कम चांसेस है बाकी सारे मैचेस के मुकाबले, ये होने वाला भाई इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और ऐसी टाइटल की WWE कितनी वैल्यू करती है भाई पिछले एक साल में आप तो ये जानते हो। तो यहाँ पे पॉसिबली 0.1% चांस है कि हमें मैच देखने को मिल जाए रिकोशेट वर्सेस गंतर, जो कि रिकोशेट के लिए रीमैच साबित हो सकता है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये मतलब ऐसा है कि भाई मैच नहीं होगा कम पड़े होगा ना तो ये मैच हो जाएगा, वरना फिर नहीं होगा। बाद हमें देखने को मिल सकता है भाई अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होने वाला है उसे वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने जहाँ पे जो है ना कंटेंडरशिप जो मैच था टाइटल्स के लिए वो जो है ना जीत लिया था रॉ में, तो ऑब्वियस बात है ये जो मैच हमें देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक में, बस WWE ने ऑफिशियल नहीं किया बाकी मैंने ऑफिशियल कर दिया, तो ये मैच में हमें देखने को मिलने वाला है। बढ़ते हमारे मेन इवेंट की तरफ, ये होने वाला भाई 8 मैन लैडर टैग टीम कहा गया भाई 8 मैन लैडर मनी इन द बैंक मैच। तो भाई ये हो सकता है भाई केविन ओवेंस वर्सेस फिन बैलर वर्सेस इजीगल वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वर्सेस शेमस वर्सेस मैट केमॉन वर्सेस सैमी ज़ेन। अब एक के पीछे का रीजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें भाई केविन ओवेंस इजीगल के बारे में, तो आप सब जानते हो इनकी जो फ्यूड चल रही है, और फिलहाल भाई WWE का यही भाई हर फ्यूड के 3-3 मैचेस कर रहा है, हैवी कॉर्बिन वाले थे तो भाई 4-4 मैचेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे भाई मुझे लगता है इन दोनों को जो और भी एक चांस दिया जाएगा और इन दोनों को डाल दिया जाएगा भाई मनी इन द बैंक में रैंडम मैचेस के सहारे से। तो भाई ये रीजन है केविन ओवेंस इजीगल के पीछे का। बात करो फिन बैलर की, तो देखो फिन बैलर भाई नए लीडर है जजमेंट डे के, तो WWE उनको पुश देना चाहेगी, हो सकता है वो भी किसी करामाती तरीके से जो यहाँ पे है ना मनी इन द बैंक रैंडम मैच में जो इंक्लूड होते हुए नजर आ जाए। बात करो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की, तो देखो भाई सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस तो भाई परमानेंट ही वो तो आने वाले थे, और सेथ रॉलिंस का तो कोई रीजन देने की मुझे जरूरत नहीं, वो भी परमानेंट ही तो आएंगे आएंगे। बात करें तो भाई ड्रू मैकइंटायर और शेमस के बारे में, तो मुझे तो लगता है भाई एडम पे दोनों की धमकी से डर के दोनों को जो है ना मनी इन द बैंक लैडर मैच में भेज देंगे, तो ज्यादा कुछ रीजन देने की जरूरत है नहीं। बाकी बात करो मैट के मॉस के बारे में, तो देखो मैट के मॉस का भाई लास्ट लाइव मैच होने वाला है नेक्स्ट वीक, मुझे लगता है उसमें भी वो जो हैप्पी कॉर्बिन को हराई देंगे, तो फिर भाई टॉप स्टार हो चुके तो उनको पुश देने के लिए जो यहाँ पे है ना मनी इन द बैंक लैडर मैच में भेज दिया जाएगा। और बात करो भाई लास्ट फाइनल सैमी ज़ेन के बारे में, तो भाई फिलहाल जो सैमी ज़ेन है ना ब्लड लाइन के मेंबर है, उनके पास करने कुछ है नहीं, तो ऑब्वियस बात है वो भी जाएंगे मनी इन द बैंक में। तो भाई ये कुछ है मेरी मैच का प्रेडिक्शन, और बाकी जो 2 मैचेस तो अनाउंस ही, तो टोटल हो गया यहाँ पे 7 मैच। बाकी आपको मेरी मैच का प्रेडिक्शन कैसे लगे आप बता सकते हो। इस वीडियो के तहत मैं मिलता हूँ, टेक केयर।